हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू टैलेंट पर। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ जो क्लास नाइन्थ का है। इसको चैप्टर वाइज कवर करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धत। पहले चैप्टर से एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन लिया है, देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो? इस तरह से दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि क्या जो शून्य है यानी कि जीरो है, ये परिमेय संख्या है? तो जी, ये परिमेय संख्या बिल्कुल है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ दिया भी हुआ है कि जबकि पी और क्यू पूर्णांक हैं। अगर हम जीरो को पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे यानी कि बटे के रूप में लिखेंगे तो ये परिमेय हो जाएगा, लेकिन जो पी का मान है वो जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों होना चाहिए? अगर ये जीरो नहीं होगा तो मान जीरो नहीं आ पाएगा, और क्यू का मान जीरो को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। क्यू की जगह पर जीरो ना होने पाए, बाकी 1, 2, 3, 4 यानी कुछ भी मान रख दें तो ये सही हो जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे हम, जीरो को 0/1 भी लिख सकते हैं, और जीरो को 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। इस तरह से जितने भी अंक करके लिखेंगे वो सब के सब जीरो होंगे, और 0/1, 0/2, 0/3 ये सब के सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय क्यों हैं? क्योंकि पी का मान जीरो दिया हुआ है और क्यू का मान जीरो नहीं दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि पी और क्यू पूर्णांक हैं, जबकि क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू का मान जीरो हो जाएगा तो वो परिमेय नहीं होगा, वो इनफाइनाइट के रूप में बदल जाएगा, 0/0। तो ये अगर इस तरह से कह रहा है तो सीधा लिख देंगे कि ये परिमेय संख्या है। कारण इसका यही हो जाएगा कि जीरो को हम 0/1, 0/2, 0/3 यानी कि पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी का मान जीरो होगा और क्यू का मान जीरो को छोड़ करके 1, 2, 3 इस तरह से मान हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसे अगला क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इस टाइप का 7th और 8th में पढ़ चुके होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। उसमें थोड़ा सा आसान दिया हुआ था और इसमें थोड़ा टिपिकल कर दिया गया है। जैसे 7th और 8th में क्या था कि 3 और 5 के बीच में संख्या ज्ञात कीजिए, तो 3 और 5 के बीच में सीधा हो जाएगा 4। क्यों होगा? क्योंकि 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 का आधा करेंगे 4 आ जाएगा। या इस तरह से दिया हुआ था होता था कि 3 और 4 के बीच में 1 परिमेय संख्या या 2 परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 को कहाँ से लाएंगे? इसके कई तरीके निकालने के हैं, तो सबसे आसान तरीका हम ये बता दे रहे हैं कि 3 और 4 को पहले हम बदल लें बटे के रूप में। 3 को लिख देंगे, यहाँ पर 4 को लिख देंगे। अब 3 बटे करेंगे हम, कोई भी अंक ले लें जिससे ये सेट हो जाए। पहले ले लें हम 2, अगर बटे 2 करेंगे तो गुणे भी 2 करना पड़ेगा क्योंकि मान बराबर होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ भी बटे 2 करेंगे और गुणे 2 करेंगे। इसको गुणा करेंगे तो 3 × 6/2, ये 4 × 8/2। अब अगर 6 और 8 के बीच में देखा जाए तो केवल एक ही अंक आ रहा है, यानी कि 7 आ रहा है, मतलब कि 2 यहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा। ऐसा अंक होना चाहिए जिससे कि 6 परिमेय संख्याएँ आसानी से निकल जाएँ। क्या करेंगे? अब 2 को हटा करके संख्या बढ़ाते जाएंगे, तो हम मान रख दे 7, 7 को चेक करें तो 7 करेंगे तो कितना आएगा? ये बन जाएगा 3×7 = 21/7, 4×7 = 28/7, इस तरह से। अब 7, 7 हर बराबर है, अंश वाले में देख लें कि 21 और 28 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, तो 21 के बाद आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अंक हो गया, बहुत ही आसानी से आ गया ये। और
और भी तरीके हैं, और भी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे ये भी लिख सकते हैं कि तीन और चार के बीच में निकालने के तरीके, 3.0 इसको लिख दें हम, और इसको लिख दें 4.0। तो 3.0 और 4.0 के बीच में कितने अंक होंगे? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 8, ऐसे करके 3.9। इसमें से कोई 6 अंक ले लेंगे हम, और 6 लेने के बाद 0 हटाएंगे, बड्डे के नीचे 0 लगाएंगे, परिमेय संख्या हमारा बन गया। तो या तो इस तरह से करें, या इस तरह से करें, और या फिर जो बेसिक नियम इसका है, जो इसके पहले वाले क्लास में दिया होता था 7th और 8th में, उस तरीके से भी लगा सकते हैं कि 3 और 4 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। 3, 4, 7 और बटे 2 हो गया। ये 3 और 4 के बीच में आया है 7/2। अब 3 और 7/2 को लेकर के उसके बीच में संख्या निकालेंगे, फिर 7/2 और 4 को लेकर के उसके बीच में संख्या निकालेंगे। इस तरह से सभी के बीच में संख्या निकालते जाएंगे और 6 अंक टोटल कंप्लीट कर देंगे। तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, उससे अच्छा है कि यही वाला तरीका अपना लिया जाए, ये ज़्यादा बढ़िया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, इसी तरह से वो भी है, तीसरा वाला। तीसरा दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे इसको? ये भी बहुत ही आसान है, उसी तरीके से लग जाएगा सेम। जैसे उसमें हमने 7 को अंश में भी गुणा किया था और हर में भी गुणा किए थे, उसी तरह से इसमें भी गुणा कराना है, और देखेंगे कि 5 परिमेय संख्याएं कब पूरा होती हैं। जैसे 3/5 लिखा है और 4/5 लिखा है, पहले इसमें हम डायरेक्ट 5 से चेक कराएं, ज़्यादा अंक ले लें, 5 कर दें, इसमें भी 5 गुणा, यहाँ भी 5 गुणा, और यहाँ भी 5 गुणा। तो 3×15/25, 4×20/25, 15 और 20 के बीच में कितने अंक हुए? 16, 17, 18, 19, ये 4 ही अंक हुआ। हमें चाहिए कितना? 5 परिमेय संख्या, तो एक अंक और बढ़ा देंगे, 5 लिखे थे, 5 के बाद 6 कर देंगे, तो यहाँ एक अंक और बढ़ा दें सब में, यहाँ 6 कर दें, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 से गुणा, और यहाँ भी 6 से गुणा। अब इसको गुणा करा लें फिर से हम, और आसानी से ये मान आ जाएगा। तो 3×18/5×30, ये 4×24/5×30, दोनों का हर बराबर है। जब हर बराबर है तो अंश में मान ले लेंगे, आसानी से आ जाएगा। 18 के बाद आएगा 19/30, और फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये हो गया, ये 5 संख्याएं हो गई बीच की। ये भी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। अब इससे लगा लिए, ऐसे इस तरह से आ गया। और भी तरीका लगा सकते हैं, जैसे 3 को 5 से भाग दे दें और 4 को 5 से भाग दे दें डेसिमल में, और उस 10 के बीच में देख लें कि 5 अंक कौन कौन सी है, यानी कि उसके बीच में 5 अंकों को छांट लें, वो भी हो जाएगा। या फिर दोनों को जोड़ करके आधा करें, फिर कोई 2 को जोड़कर आधा करें, फिर कोई 2 को जोड़कर आधा करें, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जो भी तरीका सही लगे, लेकिन ये ज़्यादा ठीक तरीका है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला दिया हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें सत्य असत्य बताना है, वो भी कारण के साथ। दिया हुआ है पहला नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो पहले हम इसको चेक करें कि सही, क्या सही होगा या गलत होगा। इसमें देखेंगे कि ये प्राकृत संख्या है क्या, तो प्राकृत संख्याएं पता होगा, ये भी छोटे क्लासों में पढ़ चुके होंगे,
प्राकृतिक, जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो कि शुरू होती हैं एक से, एक दो तीन ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये। फिर दिया है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी पढ़ चुके होंगे, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं ये जीरो से शुरू होता है, मतलब कि प्राकृत संख्या में अगर जीरो को भी ऐड कर दें तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या, इस तरह से। अब इसमें देखें दोनों में कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है, मतलब कि जो प्राकृत संख्या है वो सब के सब पूर्ण संख्या में होने चाहिए। अगर पूरी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं है तो ये कथन गलत हो जाएगा। अगर सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में है तो ये कथन सही हो जाएगा। तो देखें, प्राकृत संख्या एक भी है, दो भी है, तीन भी है, मतलब कि सब के सब हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सब के सब क्या हैं, पूर्ण संख्याओं में मौजूद हैं, इसलिए कथन सही है। अगर इसका उल्टा दिया होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये पूर्ण संख्या जीरो प्राकृत में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा तुरंत। तो अगले वाले को देखें इसी तरह से। इसका दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये दिया हुआ है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इसको कैसे करेंगे, वही तरीका, पहले लिख देंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, प्लस वाले मान, माइनस वाले मान और जीरो, इन सबको मिलाकर बनता है पूर्णांक। जैसे माइनस करके मान, इन माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर के ये जाता है माइनस चार, माइनस तीन, कुछ भी ले सकते हैं, माइनस एक जीरो, फिर एक दो तीन चार, प्लस में करके ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाता है, इस तरह से। इसको कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा का पूरा अंक। अब है पूर्ण संख्या, जो ये ऊपर लिख चुके हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जीरो से शुरू होती हैं, जीरो एक दो तीन चार, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। अब इसमें कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, क्या सभी पूर्णांक इस पूर्ण संख्या में है? अगर सभी पूर्णांक इस पूर्ण संख्या में है तो सही है, नहीं तो गलत। तो जीरो से लेकर के ये संख्याएं तो यहाँ मिल रही हैं पूर्ण संख्या में, लेकिन जीरो के पहले जितने भी निगेटिव मान है वो सब इसमें नहीं हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है, और पूर्णांक माइनस में भी होता है, तो माइनस वाला मान पूर्ण में नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कारण में लिख देंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, कारण में लिख देंगे। अब तीसरा नंबर, तीसरा दिया हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देख लें कि परिमेय क्या चीज़ है। परिमेय का मतलब, परिमेय, अपरिमेय, ये सब के सब हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य, भाज्य संख्याएँ जितनी भी होती हैं, इन सब का एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, जा करके अच्छे से देख लीजिएगा कि ये किस तरह से होता है और इसका कारण क्या है। तो परिमेय में होता है, इसको बता दें कि जो दो अंक होता है ये भी परिमेय है, तीन चार, मतलब कोई भी अंक है, रूट वाले को छोड़ करके जितने भी अंक होते हैं वो सब परिमेय होते हैं। और अगर रूट में कोई ऐसा मान आ गया जिसका रूट निकल जा रहा है तो भी परिमेय नहीं हो, तो भी अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय ही होगा। जैसे लिखा है रूट चार, तो ये वर्गमूल है तो इसका वर्गमूल दो हो जाएगा, लिखा है नौ तो ये वर्गमूल तीन हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। परंतु अगर रूट दो पर लग कर आ जाए या तीन पर लग कर आ जाए तो ये परिमेय नहीं होगा। तो परिमेय में हो जाएगा दो तीन चार, जीरो भी है, माइनस वाला मान भी है, प्लस वाले जितने मान है वो भी हो जाएंगे, चार बटे पाँच, छः बटे चार, मतलब कुछ भी हो जाएंगे, जो भी बटे में हैं सब हो जाएंगे, केवल रूट वाले को छोड़ करके। तो ये परिमेय संख्याएँ हैं।
अब दिया है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण में क्या है, ऊपर दो क्वेश्चन में देख चुके हैं पूर्ण का मतलब 0, 1, 2, 3 ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखें कि क्या परिमेय वाले सभी मान पूर्ण में मिल रहे हैं, तो पूर्ण वाले में 2, 3, 4, 0 ये तो मिल रहे हैं, लेकिन माइनस वाला मान, बटे वाला मान ये सब नहीं मिल रहा है। मतलब जो भिन्नात्मक वाले मान होते हैं और ऋणात्मक वाले मान होते हैं वो पूर्ण संख्या में नहीं है। इसका कारण यही हो जाएगा कि भिन्नात्मक मान और ऋणात्मक मान पूर्ण संख्या में नहीं है, या भिन्नात्मक ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसका यही कारण हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये संख्या पद्धति का जो पहला एक्सरसाइज था 1.1 ये ख़त्म हुआ। अगले दिन लेकर के आएंगे इसका दूसरा एक्सरसाइज, और इसका अगर नोट्स प्राप्त करना है जो PDF होता है या इमेज फाइल में, तो इसका आपके साइट पर जा करके पा सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, ऐप डाउनलोड कर लें, और उसमें डेली इसका नोट्स वीडियो मिलता रहेगा, और उसमें इसका जो कारण है वो भी मिल जाएगा। उसमें कारण डिटेल से लिख करके डाल दिया गया है, जा करके देख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।